तो फ्रेंड पूरी बनाने के लिए आटा ली हूँ, नमक स्वाद अनुसार, और इसे जस्ट थोड़ा थोड़ा पानी से गूंदना है। एक एक साथ पे पानी नहीं लेने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे जस्ट गूंदना है। तो फ्रेंड्स देखिए गूंद चुकी हूँ। अब इसमें अभी मैं ऑयल ऐड करूँगी और इसे खूब अच्छे से गूंदना है ताकि सॉफ्ट और फुल किस्म के पूरी बन के तैयार उतरेंगे। तो फ्रेंड्स गूंद चुके, अब इसे आधा घंटा इसे जस्ट छोड़ दूंगी इसे फूलने के लिए। पहले कढ़ाई लें और कढ़ाई में ऑयल हीट हो गया है, गर्म हो चुके हैं, और इसमें ऐड करूंगी सूखा मिर्चा एक, जिसको हल्का सा ब्राउन करना है। और ऐड कर रही हूँ अनियन, दो छोटे अनियन लिए, इसे लाइट ब्राउन करना है। सो हींग डाल रही हूँ और तेज पत्ता ऐड कर दूँ। इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, इसको मिलाना है, और साथ में ये टमाटो टमाटर कर ऐड करना। और इसमें पानी, इसे लो फ्लेम में तो जस्ट सॉफ्ट करना है टमाटर को। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है फ्रेंड्स। आप ऐड कर रही हूँ पटेटो मतलब आलू, इसे जस्ट मिलाना है और इसे धीमे आगे में इसे जस्ट बनाना है अच्छे से मिक्स करके। अब इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। इसमें एक और चीज़ ऐड करती हूँ फ्रेंड, जो इसे एकदम बहुत टेस्टी और यम्मी बनाते हैं। ये बिना अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं इसमें फ्रेंड, जस्ट ये मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और ये मैगी मसाला, मैं इसे एक तो ऐड करती हूँ। इसी में आलू की सब्ज़ी बहुत यम्मी बनते हैं। मैं इसे मिक्स करके और फिर ये जस्ट देखिए रेडी है फ्रेंड्स आलू की सब्ज़ी। और तेज़पत्ता मैं हटा दी क्या के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहता है फ्रेंड्स में, इसीलिए तेज़पत्ता आप हटा दीजिएगा तो मतलब ठीक रहेंगे, क्या के लिए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं सब्ज़ी, एक फ्लेवर मतलब तेज़पत्ता का एक तो फ्लेवर आ जाते हैं, तो हल्का हल्का ठीक है, लाइट ठीक है, इसलिए मैं हटा दिया। और ये सूखा मिर्चा में भी मैं साइड कर दूँगी क्योंकि बच्चे लोग को तो ज़्यादा देर रहने से फ्रेंड्स झाल हो जाएंगे सब्जी। रेडी है आलू की सब्जी, हीट हो गया ऑयल फ्रेंड्स। अच्छे देखिए कितने अच्छे फुलके फुलके पूरी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलने भूल गई, मैगी मसाला में नमक रहता है फ्रेंड्स, तो देख के आप डालिएगा, तो मैं डाल दी हूँ